नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। ग्राम तेंदुआ शिवरीनारायण में 4 दिवसीय भव्य हनुमत के रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें व्यासपीठ डॉक्टर अशोक हरिवंश, पद्मा विभूषण, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी, भद्राचार्य के कृपा पात्राचार्य द्वारा हनुमत के रामकथा का आज द्वितीय दिवस रहा। इसमें समस्त तेंदुआ धाम रामकथा में आचार्य जी ने बताया कि रामचरितमानस भाई भाई का प्रेम को जागर करता है और हनुमत जी जिस प्रकार हनुमत जी कहते हैं वही मुझे पा सकता है, जिसका मन श्री रामचंद्र जी की समान निर्मल जल के समान हो और छल छिद्र कपट ना हो, श्री रामचंद्र जी के सखा के रूप में, मित्र के रूप में, भाई के रूप में जनमानस को जो संदेश दिया है वह अनुकरणीय है। राघव कोटी राम मिलेंगे आश्रम आश्रम का कल भूमि पूजा एवं श्री राम मंदिर का भूमि पूजन का आयोजन पद्म भूषण जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य जी के पावन सानिध्य में हो रहा है। क्षेत्र से कथा श्रवण करने के लिए हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष, साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे भी कथा का रसपान किए। छत्तीसगढ़ जिला ब्यूरो चिपकर राय सागर की रिपोर्ट। माननीय अशोक भैया जी के मुख से जो राम कथा जो हम सुन रहे हैं वो बहुत सराहनीय है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। नगर के वासी बहुत यहाँ आके कथा का मतलब आयोजन ले रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मन प्रसन्न हो जा रहा है। राम जी के बारे में हम वो जानकारी पा रहे हैं जो हम शायद नहीं जान रहे थे। राम जी के बारे में भैया जो कथा कह रहे हैं वो बहुत अद्भुत है, उनको सुन के सबका दिल मोहित हो जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि भैया की कथा हर बार 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 हो श्रीनारायण धाम में, तेंदुआ धाम में। जय श्री राम। आचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी का मैं एक शिष्य हूँ और इस श्री रामानंद मिशन के अंतर्गत मैं इसमें सदस्य हूँ। जी श्री राम जी का भव्य निर्माण मंदिर आयोजन होने जा रहा है और इसी तारतम्य में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी का कल यहाँ इस धरा पर पुण्यभूमि पर उनका आगमन हो रहा है और आकर के इस तेंदुआ धाम, ये जो संपूर्ण जो क्षेत्र है यह तेंदुआ ग्राम ना होकर के अब तेंदुआ धाम के नाम से जाना जाएगा और यहाँ पर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान आकर के और अपना आशीर्वचन और श्री भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का जो है अपने कर कमलों से यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे और यहाँ पर श्री भव्य राम मंदिर का जो है वह निर्माण होगा। हनुमान जी इस समाज के लिए कितने उपयोगी हैं, विद्या और कुविद्या में अंतर क्या है हनुमान जी करते हैं, बुद्धि कुबुद्धि में अंतर क्या है हनुमान जी करते हैं, जितने भी गुण होते हैं मनुष्य के अंदर उसे हनुमान जी की साधना करके कैसे प्राप्त किया जा सकता है वह इस कथा में बताया गया और एक अच्छा इंसान एक अच्छा मनुष्य कैसा बने यह बताया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि मानस भाई भाई की कहानी है। अनेकानेक भाई इस मानस के अंदर हैं, एक तो राम हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, दूसरी ओर आगे आते हैं तो कर और भूषण हैं, उससे आगे बढ़ते हैं तो बाली और सुग्रीव हैं, उससे आगे बढ़ते हैं तो विभीषण हैं, रावण हैं, कुंभकर्ण हैं। जहाँ पर भाइयों के बीच में सौहार्द रहे, भाईचारे की भावना है।